ब्रिटेन के शहर चेलमस्ट रोड में रहने वाले ये शख्स इन दिनों काफी चर्चा में है। क्रिस कटलर नाम का ये व्यक्ति अपने घर के पास खजाने की तलाश कर रहे थे। बचपन में सुनी कहानियों और मिली जानकारी के मुताबिक वो खजाने की तलाश कर रहे थे। खजाने की खोज में क्रिस इजैक्स के खेतों में पिछले कुछ दिनों से घूम रहे थे। थोड़े दिन पहले उन्हें पता चला था कि इन खेतों में एंग्लो सैक्सन से 100 से भी ज्यादा साल पहले खजाना छुपाया गया था। इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन का युग लगभग 600 वर्षों तक था। उन्होंने उन खेतों में सालों पहले कुछ सिक्के छुपाए थे। क्रिस उसी की तलाश कर रहे थे। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद उनकी नजर एक सुनहरे रंग के पत्थर पर पड़ी। उन्होंने जब उसे साफ किया तो हैरान रह गए। दरअसल ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक सोने का सिक्का था। पहले तो उन्होंने उसे बेकार समझ लिया था, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें यकीन हो गया कि खजाना हाथ लग गया है। इस सिक्के के मिलने के बाद उन्होंने इसे ब्रिटिश म्यूजियम में जांच के लिए दे दिया। जांच के बाद म्यूजियम ने बताया कि इसकी कीमत 8,50,000 रुपए है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।